नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लिव लाइफ विद पारस में। और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ देहरादून से दिल्ली का जो 2.5 घंटे का सफ़र की घोषणा की है माननीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने, तो उसका निर्माण कार्य कैसा चल रहा है। अभी हम लोग हैं ये आशा रोड़ी रेंज जो कि राजा जी नेशनल पार्क में है, और आगे जो है मोहन रेंज है। तो ये दोनों जो है वो राजा जी नेशनल पार्क में आता है, तो यहाँ से जो है इसके हरित प्रदेश में आता है, तो इस वजह से जो है इस बेल्ट से जो है रोड निकालने के लिए काफ़ी परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। काफ़ी लंबे समय के बाद जो है ये परमिशन मिल पाई है, और अब जो ये डबल लेन का जो रास्ता है, जो ये पुराना रास्ता जिस पर हम चल रहे हैं, ये इसका सब्स्टिट्यूट, क्योंकि ट्रैफिक बहुत बढ़ चुका है देहरादून और उत्तराखंड आने वालों का, तो इस वजह से जो है ये डबल लेन की जगह 4 लेन रोड की जो है वो रिक्वायरमेंट थी, तो इस वजह से जो है यहाँ पे अब ये निर्माण कार्य जो है बहुत तेज़ी से हो रहा है। और ये देखिए, ये कहीं पे जो है इसे एलिवेटेड बनाया जाएगा, कहीं पे फ्लाईओवर्स बनाए जाएंगे, और ये बिल्कुल सीधा रहेगा। ये हम जो है ये गुफा जो टनल बनी हुई है, ये डाट काली जो है वो उसके नज़दीक बनी है। माँ डाट काली का मंदिर यही बगल में है, तो अगर आप देहरादून आए तो माँ डाट काली के भी ज़रूर दर्शन करें। और यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये बड़े बड़े पहाड़ों को खोद के जो है यहाँ पे बिल्कुल इसका बेस तैयार किया जा रहा है। यहाँ से जो है अब बड़े बड़े पिलर्स जो है कंक्रीट के बनाए जाएंगे, जिसके ऊपर ये फ्लाईओवर्स बनेंगे, और उसके ऊपर जो है ये 4 लेन का जो है वो हाईवे तैयार किया जाएगा। बाकी यहाँ से आगे के जो हाईवेज हैं मुजफ्फरनगर का और ईस्टर्न पेरिफेरल, उनको लेके आप जो है वो अभी ट्रैवल कर सकते हैं, वो एक्टिवेट हैं। तो अब आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए देखते रहिए लिव लाइफ विद पारस। तब तक के लिए धन्यवाद।